कक्षा 10 के भूगोल विषय के फर्स्ट अध्याय संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ाऊंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि संसाधन क्या है और वो कितने प्रकार का होता है तथा उससे विकास कैसे होता है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। संसाधन हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली वह प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो संसाधन कहलाती है। लेकिन संसाधन कहलाने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे संसाधन के लिए प्रौद्योगिकी होना मस्ट है। बिना तकनीक के, बिना टेक्नोलॉजी के हम संसाधन नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी जमीन है, जमीन के नीचे तेल पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक हम उस तेल को टेक्नोलॉजी द्वारा बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वो तेल हमारे लिए संसाधन नहीं कहलाएगा। दूसरी चीज है कि आर्थिक रूप से संभाव्यता होनी चाहिए। आर्थिक रूप से संभाव्यता कहने का अर्थ ये है कि हम जब कोई संसाधन बनाते हैं तो उसका जो लागत मूल्य होता है वो संसाधन बनने के बाद वो प्रॉफिट दे। प्रॉफिट कहने का मतलब कि अगर किसी वस्तु को, किसी संसाधन को बनाने के लिए हमने 100 रुपया लगाया है तो बाद में जो वस्तु तैयार होती है या जो संसाधन तैयार होता है उसका मूल्य 100 रुपया या उससे अधिक होना चाहिए, लॉस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर हम किसी संसाधन में 1000 रुपया लगा दिए बनाने में और उसका जो हमारा जो बाद में बन करके संसाधन तैयार हुआ वो 100 रुपये का हुआ, तो क्या वो संसाधन हमारे लिए अच्छा है? नहीं अच्छा है। तीसरी बात है कि जो संसाधन हो वो सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से मान्य कहने का मतलब कि वो समाज द्वारा स्वीकार्य होना चाहिए, समाज उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये जो चीज है ये हमारे लिए अच्छी है, हम इसको संसाधन के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाली वह प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो संसाधन कहलाती है। लेकिन जिसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, जैसे इसका उदाहरण है पशु पक्षी, वनस्पतियां, खनिज पदार्थ, पहाड़, झरने, भूमि और मानव खुद। अब आप कहेंगे कि मानव कैसे संसाधन है, तो मानव इस तरह से संसाधन है कि जितनी भी प्रकार के संसाधन हमारे वातावरण में या पर्यावरण में पाए जाते हैं उन सबका उपयोग करने वाला मानव ही है। अगर मानव उन सारे संसाधनों का उपयोग ना करे तो वो सारी चीजें बेकार है, इसलिए मानव भी संसाधन का ही एक हिस्सा है। अब हम देखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और खुद मानव। प्राकृतिक संसाधन यानी ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति या जो हमें पर्यावरण से मिलती है, नेचर से मिलती है, जिसको बनाने में मनुष्य का हाथ नहीं होता है। अब उसमें कौन कौन से संसाधन आएंगे, जैसे आपके झरने हो गए, पहाड़ है, नदी, वनस्पतियां, जीव जंतु, ये सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, इसमें वैसे संसाधन आते हैं जिनको मानव ने बनाया है, जैसे आपका ये ब्लैक बोर्ड है, डेस्क बेंच है, कार है, साइकिल है, आपके घर का गैस स्टोव है, जिसको मानव ने बनाया है अपनी सुविधा के लिए, वो मानव संसाधन कहलाता है। ठीक है, और मानव को अभी मैंने बताया कि मानव खुद भी एक संसाधन है क्योंकि वो जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं उनका इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब हम आते हैं, अब इन सब जो संसाधनों को आप देख रहे हैं या अभी जो पढ़े हैं इन सब संसाधनों को हम वर्गीकृत करेंगे, यानी कुछ फैक्टर्स के आधार पे इसको हम कुछ भागों में बांट दिए हैं। आइए देखते हैं कैसे बांटे हैं हम।
पहला हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव और अजैव। उत्पत्ति कहने का मतलब है कि संसाधन कहां से उत्पन्न हुए हैं, कहां से बने हैं। तो जैव संसाधन इसमें ऐसे संसाधन आते हैं जिनकी उत्पत्ति जीवों से हुई है, जीवित प्राणियों से हुई है, जैसे पशु पक्षी, वनस्पतियां, मनुष्य इत्यादि। पशु पक्षी में हम एग्जाम्पल लेते हैं भेड़ का। भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है। गाय का लेते हैं, गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। वनस्पति में हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसी भी वनस्पति का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। वनस्पति से हमें खाने पीने की चीजें मिलती हैं, लकड़ियां मिलती हैं, घर बनाने के लिए फर्नीचर के लिए भी लकड़ियां मिलती हैं। तो ये हो गया वनस्पति का संसाधन। फिर है मनुष्य। इसको अभी हमने बताया कि मनुष्य भी एक जैव संसाधन है। दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में वैसी चीजें आती हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बनी हुई हैं। अब निर्जीव वस्तुओं से कौन से संसाधन बने हैं, जैसे हमारी कार है, चट्टानें हैं, धातुएं हैं, खनिज पदार्थ हैं इत्यादि। ठीक है, अब इसका दूसरे प्रकार कहते हैं समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता के आधार पर यानी ऐसे संसाधन जो कभी खत्म होंगे या नहीं भी खत्म हो सकते हैं। ठीक है, समाप्यता के आधार पर भी दो प्रकार का संसाधन होता है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होंगे या जिसको भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पुनः बनाया जा सकेगा। जैसे सौर ऊर्जा, हम जानते हैं हमारी जब तक धरती रहेगी तब तक हमें सौर ऊर्जा मिलती रहेगी, यानी सूर्य की ऊर्जा मिलती रहेगी। पवन ऊर्जा है, हवा भी हमें मिलती ही रहेगी। ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्रों में ज्वार भाटे आते हैं वो ऊर्जा भी हमें मिलती ही रहेगी। तो ये ऐसे संसाधन है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिसको हम एक बार अगर खर्च कर देते हैं तो दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, ये संसाधन एक बार खत्म होने के बाद दोबारा इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि इनको बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इनका निर्माण एक दिन में नहीं होता है। जैसे कोयला है, इसके बनाने में कितने अरबों साल लगे हैं तब जाकर के कोयला हमें मिला है। पेट्रोल है, पेट्रोल भी इसी तरह है। सोना है, चांदी है, ये सब ऐसे संसाधन है जिससे हम डेली यूज कर रहे हैं। जैसे पेट्रोल है, कोयला है, इसको हम डेली यूज कर रहे हैं और जिस गति से यूज कर रहे हैं तो ये आने वाले समय में खत्म हो सकता है, इसलिए इसको और नहीं करने संसाधन कहेंगे। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक। तो स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन यानी पर्सनल संसाधन, जो अपना खुद का हो, जिस पर किसी और का हक ना हो, जैसे अपना घर, कुआं, अपनी कार, अपना बाग इत्यादि, इस पर किसी और का हक नहीं होता है, इसलिए इसको हम व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। दूसरा है इसमें सामुदायिक संसाधन। नाम से ही पता चल रहा है कि इस पर बहुत सारे लोगों का हक होता है, ये किसी एक पर्सनल व्यक्ति का नहीं हो सकता। जैसे पार्क है, आपने शहरों में पार्क देखा होगा, पार्क में बहुत सारे लोग आते हैं। पार्क एक समुदाय द्वारा भी बनवाया जा सकता है और सरकार के द्वारा भी, तो पार्क में बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए सामुदायिक संसाधन हुआ। दूसरा है शमशान भूमि, जहाँ पर मुर्दों को जलाते हैं, वहाँ वो स्थान भी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं होता है। तीसरा है तालाब। तालाब भी जो समुदाय के लोग मिलकर के बनाते हैं तो सब लोग यूज करते हैं, उस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का हक नहीं होता है। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। ये वैसे संसाधन है जो हमारे देश में, पूरे देश में पाए जाते हैं और इस पर हमारे भारत सरकार का हक होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि कौन से ऐसे संसाधन है, तो इसमें सब प्रकार के संसाधन, यहां से लेकर के कश्मीर से लेकर के
घर आपके पूर्वी भाग से लेकर पश्चिमी भाग तक जितने भी प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन में इंक्लूड होते हैं। अब आप कहेंगे कि कौन कौन से संसाधन, तो देख लेते हैं। भारत देश के अंदर पाई जाने वाली सारी संपत्ति जैसे रेल, सड़क, सारे खनिज, सारे जल संसाधन और समुद्री तट रेखा से 12 नॉटिकल मील या 22 किलोमीटर की दूरी के एरिया में जितने भी प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। एक चीज और कि राष्ट्रीय संसाधन में हमारा व्यक्तिगत संसाधन भी आ जाएगा। कैसे? वो इस तरह से कि सरकार, मान लीजिए कि आपकी जमीन यहाँ पर है, आप कहेंगे ये मेरा व्यक्तिगत संसाधन है, ये हम किसी को नहीं देंगे, और सही बात भी है। लेकिन मान लीजिए एक दिन आपकी जमीन के नीचे से सोना निकलता है, आप तो खुश हो जाएंगे कि सोना निकला है, अब मैं मालामाल हो गया। लेकिन जैसे ही सरकार को पता चलेगा कि आपकी जमीन के नीचे सोना निकला है, सरकार उस पर कब्जा कर लेगी। या हम देखते हैं कि रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, सड़क बनाने के लिए या किसी प्रकार की और राष्ट्रीय चीजों का निर्माण करने के लिए सरकार हमसे भूमि अधिग्रहण करती है। हाँ, ये सच है कि उसके बाद बदले मुआवजा देती है, लेकिन सरकार का पूरा हक बनता है कि वो हमारे व्यक्तिगत संपत्ति को भी समय आने पर ले सकती है। ठीक है। और दूसरी बात हमने बताई कि समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील या 22 किलोमीटर के एरिया के जितने संसाधन है, जैसे उसमें से गैस निकलता है, खनिज पदार्थ निकलता है, मछली मारने का काम होता है और भी बहुत सारा काम होता है, वो सब सारे काम हमारे भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील या समुद्री मील के परे होते हैं, यानी 200 नॉटिकल मील के बाद का जो एरिया है उस पर किसी एक देश का हक नहीं होता है, उस पर हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का हक होता है। ये तो हो गई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात। अब आप सोचेंगे कि अगर 12 नॉटिकल मील का एरिया जो है वो भारत का है और 200 नॉटिकल मील के बाहर का जो एरिया है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत आ रहा है, तो बीच का एरिया किसका आता है? ये आपके सब्जेक्ट में, आपके इस बुक में नहीं है, लेकिन मैं इसको डिस्क्राइब कर रही हूं आपको। तो 12 नॉटिकल मील से लेकर 24 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है वो, उस पर भी भारत सरकार का हक है, लेकिन कुछ क्या हक है? 12 से 24 नॉटिकल मील का जो एरिया है उस पर हमारी भारत सरकार वित्तीय अधिकार रखती है और टैक्स भी वसूलती है। जो बाहरी देशों से जहाज आते हैं उनका टैक्स लेती है और कुछ वित्तीय अधिकार रखती है। अब 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील के बीच की जो दूरी है उस पर भी भारत सरकार का कुछ हक है। क्या हक है? भारत सरकार वहां पर अपने रिसर्च सेंटर खोल सकती है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकती है और वहां पे जितने खनिज पाए जाते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकती है। तो इस तरह हमने जाना कि स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन हुए, 4 प्रकार के, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब हम देख लेते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो विकास के स्तर पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे दिया हुआ है 4, लेकिन हम 3 प्रकार ही बताएंगे आपको। संभावित संसाधन, इसमें वैसे संसाधन आते हैं जिनका सर्वे किया जा चुका है कि ये संसाधन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है और जिनका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं। कौन कौन से वो संसाधन हैं? जैसे भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान और गुजरात का एरिया, ये जो एरिया है राजस्थान और गुजरात का, इस एरिया में संभावित संसाधन का विकास हुआ है। कर्क रेखा के कारण राजस्थान का एरिया बहुत गर्म होता है और राजस्थान गुजरात दोनों का एरिया बहुत गर्म होता है। यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, साथ ही हवा भी बहुत तेज।
हवा और सूर्य की ऊर्जा को अपने भविष्य में संसाधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं इसमें विकसित संसाधन। इसमें वैसे संसाधन आते हैं जिनका उपयोग हम डेली कर रहे हैं, और ये यूं कहें तो अब हम इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस संसाधन पर संकट मंडराने लगा है। यानी जिस स्पीड से, जिस गति से हम संसाधन को खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। या हम यूं कहें कि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम तो खुद कार से चलना चाहते हैं पेट्रोल डालकर, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी को हम साइकिल पकड़ाना चाहते हैं वापस से। तो ये ऐसे संसाधन है जिनको हमें सोच समझ कर खर्च करना है। मतलब इतना ही खर्च करिए, दूसरा ऑप्शन रखिए, इतना ही खर्च करिए इस संसाधन को ताकि हम कल अपने आने वाली पीढ़ी को भी दे सके। इसमें कौन से संसाधन है देख लेते हैं। पेट्रोल है, डीजल है, जल है। आजकल हम देख रहे हैं कि जल संकट बहुत गहराया हुआ है। गर्मी आते ही सब नदियां सूखने लगती है, कुएं सूखने लगते हैं, तालाब सूखने लगते हैं, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तो हमें क्या करना है, अपने जल को सीमित मात्रा में खर्च करना है, जितना जरूरी है उतना ही। अब आप कहेंगे कि जरूरी है तभी तो खर्च कर रहे हैं, तो नहीं, हम अपनी कार धोने के लिए मग से पानी लेकर भी कार को धो सकते हैं। लेकिन जिसके पास नल लगा हुआ है अपने घर में या मोटर लगा हुआ है, तो वो लोग एकदम से खर्च करते पाइप से ही अपनी कार को धोएंगे, या अदर कामों में भी एकदम बेतहाशा पानी को खर्च करेंगे। ये बोलेंगे कि मेरा है। अरे भाई आपका है, लेकिन संसाधन जो जल है वो नीचे पृथ्वी से ही तो आ रहा है, आपका अपने घर से थोड़ी वो पैदा हो रहा है। इसलिए हमें इन संसाधनों को बचाकर रखना है। इसके बाद है भंडार और संचित संसाधन। भंडार यानी कैसे संसाधन जो अधिक मात्रा में उपलब्ध है, हम इसको संसाधन बना भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रौद्योगिकी नहीं है यानी टेक्नोलॉजी नहीं है। और संसाधन होने की पहली शर्त मैंने बताई थी कि संसाधन कहलाने के लिए टेक्नोलॉजी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगी तो कोई भी वस्तु जो पड़ी है वो पड़ी की पड़ी ही रह जाएगी, वो संसाधन के रूप में तब्दील नहीं हो पाएगी। जैसे जल, जल को हम सभी देख रहे हैं और हमारे कुछ जगहों पे जल बहुत ज्यादा उपलब्ध भी है। जैसे हमारा देश नदियों के मामले में संपन्न है, उत्तरी भारत में बहुत सारी नदियां बहती हैं, हम जल का बहुत उपयोग कर सकते हैं, जल से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। कैसे, जल जो है वो दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। इस जल जो है वो दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। ये हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए ऐसे संसाधन हमारे पास मौजूद हैं जिसका हम भविष्य में इस्तेमाल करेंगे, और संचित संसाधन भी वैसे ही संसाधन है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे संसाधन का विकास। अब हम देखते हैं संसाधनों का विकास। देखिए मानव जो है वो निःसंदेह एक बुद्धिमान प्राणी है। अगर बुद्धिमान नहीं होता तो इतने सारे संसाधनों का अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं कर पाता, लेकिन लाभ के चक्कर में मनुष्य ने अपनी सारी लालच की हदें पार कर दी है। कैसे, संसाधनों का इतनी भूख हो गई है हमारे मानव जाति को कि संसाधन कितना निकाल लें इसकी कोई सीमा नहीं रह गई है, बस पैसा ही पैसा दिखता है। इसके चक्कर में हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हो गई हैं, जिसका उपाय खोजना, जिसका हल खोजना अभी मुश्किल हो रहा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं हुई हैं। समस्या नंबर 1 है कि संसाधन अब खत्म होने की कगार पर है, यानी इस
संसाधन का अगर हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किए, सोच समझ कर इस्तेमाल नहीं किए, एक नीति बनाकर इस्तेमाल नहीं किए, तो संसाधन आने वाले कुछ ही समय में खत्म हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि संसाधन, कुछ संसाधन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बचेंगे ही नहीं। तो कौन से वो संसाधन है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि इनके बनने में लाखों वर्ष लग रहे हैं ना, लाखों वर्ष लग रहे हैं। लेकिन हम जिस स्पीड से इनको खत्म कर रहे हैं और बनने की जो प्रोसेस है, जितना समय ले रहा है, वो तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। दूसरा है कि समाज हमारा दो वर्गों में बट गया है। हम अक्सर देख रहे हैं कि जो अमीर है, जिसके हाथ में संसाधन है, जिसके पास सुविधा है, वो दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा है। कारण कि वो संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अमीर होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लिए भी मुश्किल से नसीब हो रहा है। तो ऐसे हमारा समाज दो वर्गों में बट चुका है और इसका रूप और भी दिन प्रतिदिन भयावह होता जा रहा है। तीसरा है पर्यावरणीय नुकसान। अब आप कहेंगे संसाधनों का विकास हो रहा है तो पर्यावरण को क्या हो रहा है, तो पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है, यानी हमारी पृथ्वी का जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रहा है। पृथ्वी हमारी दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है। दूसरा है ओजोन परत में छेद होना। ओजोन परत हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अपने ऊपर ही रोक लेती है और उन्हें वापस भेज देती है, और धरती पर सिर्फ उतना ही भेजती है जितनी की थोड़ी मात्रा में हमें जरूरत है या नहीं भेजती। तो उस ओजोन लेयर में अभी छेद हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि हमारे जो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, जिसके कारण ओजोन लेयर में जो है छेद हो जा रही है। ठीक है, अब ओजोन लेयर अगर छेद वाली रहती है तो क्या होगा, सूर्य की पराबैंगनी हानिकारक किरणें जो है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी और यहाँ पर अनेक रोगों को जन्म देगी, जैसे त्वचा कैंसर। फिर है उससे भू निम्नीकरण हो रहा है। जैसे जैसे हम संसाधनों का उपयोग करते जा रहे हैं, सब नियम कानून को ताक कर रखते खाली अपना भला देख रहे हैं, तो उससे भू निम्नीकरण भी हो रहा है। आप कहेंगे कैसे, तो इस प्रकार जब हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो उसका, जब हम फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उसकी जो चिमनी बनाते हैं वो बहुत ऊपर बनाना चाहिए, लेकिन हम खर्च के चलते या नियमों को ताक पर रख करके उसकी चिमनी को हम नीचे ही बनाते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो धुआं निचले स्तर पर ही फैलता है, जो कि मनुष्य को नुकसान तो पहुंचाता ही है, जिससे सांस लेने की बीमारी फैलती है और भी बहुत तरह की समस्या हो रही है। साथ ही साथ ये हमारी धरती के ऊपरी परत पे जमता है और बहुत सारे खनिजों को नष्ट करता है, पोषक तत्वों को नष्ट करता है, जिससे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी उर्वरता उसकी खत्म हो रही है। दूसरी बात है कि हम जो फैक्ट्री लगाते हैं उसमें से जो कचरा निकलता है उसे परिष्कृत करके, यानी फिल्टर करके हमें फेंकना चाहिए कचरे को, लेकिन उसमें खर्च होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, नियमों को ताक पर रख करके कचरे को डायरेक्ट नदियों में प्रवाहित कर दे रहे हैं। अब वो नदी का जल पशु पक्षी पिए तो उनके लिए भी परेशानी है, और उससे अगर खेतों के ऊपर सिंचाई कर दी जाए तो उससे भूमि की उर्वरता खत्म हो जा रही है। नेक्स्ट हो रहा है पर्यावरण प्रदूषण। ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से अनेक समस्याएं हो रही हैं। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है, मुंह पे मास्क लगा के चलना पड़ रहा है, या बहुत सारे और इंतजाम करने पड़ रहे हैं। आज के समाज में हर हमारा जो हमारे आसपास का पर्यावरण है वो एकदम दूषित हो चुका है। इसके कारण संसाधनों के दुरुपयोग के कारण। अब हम आगे देखेंगे, तो अभी हमने देखा संसाधनों के विकास को, कि संसाधन के विकास
संसाधनों का विकास तो अच्छा है, लेकिन उससे कौन कौन सी परेशानी हो रही है। उसके साथ हम एक बात और देख लेते हैं, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है? ये आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझना और जानना, ताकि हम जो भी समस्या आ रही है उसका निवारण कर सके। अब सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास है कि विकास इस तरह से हो कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, यानी हम विकास तो करें लेकिन पर्यावरण के सुविधा का भी ध्यान रखें, तथा जो संसाधन आज हमारे पास है वो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। यानी विकास इस तरह से हो कि पर्यावरण का नुकसान पहुंचाए बिना हो, तथा जो संसाधन आज है वो हमारे आने वाली पीढ़ी को मिले। तो कैसे संसाधन का विकास करेंगे? तो संसाधन का विकास करने के लिए हमें संसाधनों के लिए प्लानिंग करनी होगी, योजना बनानी होगी कि संसाधन कौन कौन से संसाधन खत्म हो रहे हैं तो उसका कैसे इस्तेमाल करना है, या और कौन से संसाधन का हम भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं जो और हमारे ज्यादा समय तक चले। तो आइए देख लेते हैं कैसे प्लानिंग करेंगे। संसाधनों की प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले हमें सर्वे करना होगा, सर्वे करना होगा कि कौन सा संसाधन, किस प्रकार का संसाधन और कितना संसाधन कहाँ पर है। उसके बाद उसकी मैपिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसके बाद उसकी गुणवत्ता और मात्रा की जानकारी इकट्ठा करेंगे। देखिए कोई भी संसाधन कहीं पर अगर मिल रहा है तो वो किस प्रकार का संसाधन है, अच्छा है अच्छा नहीं है, या किस प्रकार का संसाधन है, उसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है वो संसाधन और कितने समय तक हम यूज करेंगे, इस सब का प्लानिंग हमें करना होगा। फिर है कि जब हम अपने संसाधन की प्लानिंग कर लिए तो हमें एक मुख्य प्रमुख चीज चाहिए, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना होगा। मैंने पहले ही बताया कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो कोई भी वस्तु जो हमारे पर्यावरण में आप देख रहे हैं वो संसाधन के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाएगी, वो अपने ही जगह पे पड़ी रहेगी जब तक कि हम उसको टेक्नोलॉजी द्वारा बाहर नहीं निकालते, उसको इस्तेमाल नहीं करते। साथ ही जब हम टेक्नोलॉजी को लगा दिए तो हमें जरूरत पड़ेगी स्किल हायर करने की, यानी लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कि उस संसाधन के डेवलप में काम करेंगे। अब जब लोग आ जाएंगे तो हमें फिर संस्था का निर्माण करना होगा, तब जाकर के प्लानिंग का कुछ भाग क्लियर होगा। फिर इसके बाद हम बनाएंगे, देखेंगे कि जो हमने संसाधन विकास की योजना बनाई है वो हमारे राष्ट्रीय विकास योजना से तालमेल खा रही है या नहीं। ऐसा ना हो कि हमने जो विकास का प्लान तैयार किया है वो हमारे सरकार द्वारा जो भी विकास का स्तर या जो योजना बनाई गई है विकास की उससे मेल न खाए, तब क्या होगा, तब कोई फायदा नहीं होगा। देखिए ये तो हो गया हम संसाधन का नियोजन कैसे करें, लेकिन हम भारत का आपको संसाधन का इतिहास बता रहे हैं कि हम जैसा जानते हैं कि हमारा भारत बहुत गरीब था, यहाँ पर बाहरी देशों जैसे अंग्रेजों ने आक्रमण किया, उनके आक्रमण करने का कारण मेन कारण था कि उनको पता था कि हमारे देश में बहुत सारे संसाधन पड़े हुए हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ पड़े हुए हैं, लेकिन हम भारतीय टेक्नोलॉजी के अभाव में उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं उपयोग कर पा रहे हैं, नहीं किसी को दे पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, हमारे ऊपर आक्रमण किया और जितने भी खनिज संसाधन थे सब उन सबको टेक्नोलॉजी के माध्यम से बाहर निकालना शुरू किया और अपने देश को ले जाना शुरू किया। तो इससे हम क्या समझते हैं कि कोई भी देश बाहरी देशों के आक्रमण को कब आकर्षित करता, बाहरी देशवासियों को कब आकर्षित करता, जब उसके पास संसाधन हो। तो कुल मिला के हमने देखा कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर कुछ भी फायदा नहीं है। अब आगे हम देखेंगे संसाधन का संरक्षण। संसाधन का संरक्षण में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने संसाधन नियोजन के लिए प्लानिंग
तरह संसाधन संरक्षण के बचाव के लिए भी सोचेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा संसाधन कहां पर और कितनी मात्रा में है, हम कितना उसका कम से कम इस्तेमाल करें, दूसरा कुछ संसाधन ऑप्शनल रखें कि उसकी जगह पे कोई दूसरा संसाधन हम इस्तेमाल करें और अपने आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखें, तभी हमारा और हमारे मानव जाति का कल्याण है। आगे हम देखते हैं, संसाधन संरक्षण कैसे करें। अब हम आगे एक बार नजर डाल लेते हैं कि शुरू से लेकर अब तक हमने क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा संसाधन क्या है, और ये कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने जाना संसाधनों का विकास, कि संसाधनों का विकास कैसे हो रहा है और उसके ज्यादा इस्तेमाल से क्या क्या हानियां हो रही है। उसके बाद हमने पढ़ा संसाधन नियोजन, लास्ट में हमने पढ़ा संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण। उम्मीद है आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, संसाधन क्या है। संसाधन क्या है तथा हम इनको कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैव और अजैव संसाधन का एक एक उदाहरण लीजिए।
तीसरा क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको पूछ रही हूँ, आप इसका आंसर बना करके रखेंगे और फिर हम जवाब मैच करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्क किस प्रकार का संसाधन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापमान क्या है? यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत क्या है? उसके बाद सतत पोषणी विकास क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जानना चाहिए इसका आंसर। और लास्ट, तेल संसाधन अगर खत्म हो जाए तो उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इतना 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, अगर आपने मेरी बातों को गौर से सुना होगा, ध्यान से सुना होगा, तो इसका आंसर जरूर आप बता पाएंगे।
ठीक है, पहले आप इसका आंसर ढूंढिए, सोचिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी।